एक बाघ के आतंक से लोग इस कदर परेशान हैं कि कई बार वन विभाग से शिकायत के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने बाघ के आतंक को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई। खटीमा उप वन विभाग के सीमांत क्षेत्र में बसे ग्रामीण इलाकों में बीते दिनों बाघ के द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बाघ के हमले की दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। इन्हें परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रभावित क्षेत्र के निवासियों ने विधायक भुवन कापड़ी के साथ खटीमा तहसील पहुंच उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना था कि वन क्षेत्र की सीमा पर सोलर फेंसिंग लगाई जानी चाहिए जिससे कि वन्य जीव ग्रामीण क्षेत्र से दूर रहें और कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। खटीमा जो गांव जंगल से लगे हुए हैं वहाँ शेर का आतंक है। सबसे पहले तो हमने SDM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, वन मंत्री जी को, मुख्य वन संरक्षक और चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजा है कि सरपुड़ा बग्गा को बफर जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि चार लोगों को शेर पिछले 3-4 महीने के अंदर मार चुका है और उसके साथ ही झाऊफरसा, बकुलिया, हल्दी घेरा, भिलैया, सरपुड़ा, रघुलिया, बनगवा, मुडेली, संतना, जो भी गांव जंगल से लगे हुए हैं उन गांव के किनारे जो शेर का खतरा बन रहा लगातार। हल्दी में भी अभी गांव के पास आकर शेर ने एक सरदार जी को मार दिया था। अभी रघुलिया बनगवा गन्ने में शेर घुस गया था। तो हमारा ये कहना है कि जंगल के किनारे तार बाड़ करके, फिनिशिंग करके गांव को और गांव के लोगों को सुरक्षित किया जाए। सरपुड़ा के सारे बच्चे 10th के बाद 12th के लिए बग्गा चवन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सरपुड़ा बग्गा मार्ग को तत्काल दोनों ओर से तार बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए, क्योंकि बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को लौटते हैं, वहाँ शेर का खतरा बना हुआ है। अभी 4 लोगों को 5 लोगों को उस रास्ते में शेर मार चुका है। इसके साथ ही हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे जंगल से लगे हुए गांव हैं उन गांवों के चारों ओर सोलर लाइट लगाई जाए जिससे कि रात के अंधेरे में जो जानवर आ रहे हैं उससे लोगों को सुरक्षा मिल सके। इसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।